नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है इसके साथ हमारे संवाददाता है बरुआ सागर से आनंद मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामला नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये बरुआ सागर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास बनी नवोदय विद्यालय का मामला है। यहाँ पे छात्रों के दो गुटों में आपसी झड़प होने की घटना सामने आई है। मामला पूरा ये है कि बरुआ सागर के कुछ लगभग दो दर्जन छात्र जो हैं वो माइग्रेशन के लिए यहाँ पे अन्यत्र जाते हैं, जैसे कि माइग्रेशन के लिए गए थे, ट्रेनिंग करने के लिए गए थे जम्मू राजौरी में। तो वहाँ के राजौरी के जो छात्र थे उन्होंने बरुआ सागर के कुछ छात्रों के साथ मारपीट कर दी, जिसको लेकर यहाँ पे बरुआ सागर के जो नवोदय के छात्र नवोदय विद्यालय के छात्र थे वो यहाँ पे भड़क गए। राजौरी जम्मू के कुछ छात्र जो हैं वो बरुआ सागर आए हुए थे, तो जब बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय के बच्चों के साथ राजौरी में मारपीट की घटना सामने दिखी तो यहाँ के बच्चे, बरुआ सागर नवोदय विद्यालय के बच्चे जो हैं वो उग्र हो गए और यहाँ के राजौरी जो बच्चे आए थे जम्मू कश्मीर से उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे लगभग आधा दर्जन जो बच्चे हैं वो घायल हो गए। नवीन जी जी, तो इस मामले में जो प्रदर्शन हो गया, किस तरह का प्रदर्शन है देखा जा रहा है तस्वीरों में, कि पुलिस भी मौके पर पहुंची है, तो पुलिस का क्या कहना है और जो बच्चों के अभिभावक भी वहां पर पहुंचे उनका क्या कहना है? नवीन जी, बच्चों के अभिभावक अभी हाल फिलहाल में यहां पे कोई मौजूद नहीं है, बच्चे आवासीय परिसर में रहते हैं, भारी पुलिस प्रशासन मौजूद है, एसपी सिटी सीओ सदर लगभग 5 थानों का पुलिस बल जो है यहां पे मौजूद है और बच्चों को शांत करने का, समझाने बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बच्चे उग्र हैं। लगातार प्रशासन के विरोध में बच्चों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इस चीज को इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जो बरुआ सागर के कुछ नवोदय के बच्चे जो हैं जम्मू राजौरी गए थे वहां उनके साथ मारपीट हुई है। जी, लगता है कि नेटवर्क की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि झांसी के बरुआ सागर में नवोदय विद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया है और हंगामे का कारण यही है कि जो यहाँ से छात्र जम्मू कश्मीर के राजौरी गए थे और राजौरी के कुछ छात्र यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई और काफ़ी गंभीर उनको चोटें भी आई हैं, जिसके बाद यहाँ के बच्चों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए उन बच्चों को घेर लिया जो बच्चे राजौरी से यहाँ आए हुए थे और उनके साथ कुछ मारपीट की सूचना भी है। और जब ये सूचना प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन को मिली तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस और प्रशासन से इस बात को लेकर जानकारी शेयर की और उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया और एहतियात को बरतते हुए उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात कर दी है, मुस्तैद कर दी है और स्कूल का, विद्यालय का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी अराजक तत्व यहाँ ना पहुँच पाए और किसी भी तरह का हंगामा ना हो, और साथ ही जो बाहर से आए हुए छात्र हैं उनको भी सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। ये दो गुटों में झगड़ा नहीं, यहाँ पे नवोदय विद्यालय में बच्चे कुछ आक्रोशित थे जिनको समझा बुझा करके यहाँ से हटा दिया गया है। इशू ये था कि पॉलिसी के तहत जुलाई में यहाँ से 20 बच्चे गए हुए हैं राजौरी जम्मू कश्मीर और वहाँ से 20 बच्चे यहाँ आए हुए हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन के पॉलिसी के तहत ये जब से नवोदय विद्यालय इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तब से ये पॉलिसी चालू है, इसी के तहत ये बच्चे एक्सचेंज यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कल सूचना मिली थी कि जो यहाँ से बच्चे जम्मू कश्मीर राजौरी गए हैं उनके साथ कुछ मारपीट हो गई है, इसको लेकर के बच्चे आज यहाँ आक्रोशित थे कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनके साथ हम मारपीट करेंगे, इसको लेकर के वो आक्रोशित थे और उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे। जब जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली हम सब लोग यहाँ पर आए, उन बच्चों को समझा बुझा करके जो यहाँ पे लोकल बच्चे थे उनको हटाया गया है और जो बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ आए थे उनको हम लोगों ने निकाल करके वापस इनको भेज रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन राजपूत है। क्या हुआ आपके साथ? मैं जब सब बच्चे वहाँ पे खड़े थे पुलिस प्रशासन की तरफ से, जब उस पर लाठीचार्ज हुई तो सब लोग वहाँ से भागे, उसमें मैं गिर गया धरती पे। जब ग्रिल पे मैं पड़ा था वहाँ पे तो इनमें किसी ने भी हुक्म मैंने ना शकल दी किसी की, उसमें दो डंडे मेरी पीठ में मारे गए, ठीक है, उसके गिरने के बावजूद भी, और माँ की गालियाँ दी गई और फिर उठ के भागा,
एक कोई खड़ा था वहाँ पे, उन्होंने वो बंदूक की बट से मेरी फिर भी यहाँ पे मारा कंधे में। लगभग कितने बच्चे चोटिल हुए? हमारी लगभग तरफ से कम से कम 10 से 15 बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, 10 से 15 बच्चों। मेरा नाम आगे बिहारी है। क्या मामला है? मामला ये है कि जब बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से केवल यहाँ पे बैठे थे, रोड पर बैठे थे, बातचीत हो रही थी आपस में, बातचीत उसके बाद हम प्रिंसिपल सर के पास आए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम समझाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। हमने बिल्कुल सर जैसी आप कहेंगे। मामला क्या हुआ? मामला था ये कि जो हमारे यहाँ के माइग्रेशन जाता है क्लास 9 का, तो हमारे 20 बच्चे जो जम्मू कश्मीर राजौरी के नवोदय में गए थे, तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनका एक बच्चे का हाथ टूट गया, एक बच्चे का ऑपरेशन चला, पैर में फ्रैक्चर है और एक पेट में, पेट में रॉड मारी गई, सरियों से हमला किया गया। उनका हमला जानलेवा था, यदि समय रहते टीचर ना पहुंचते तो एक दो बच्चों की जान जा सकती। क्या नाम है? मैं आरपी तिवारी। सर क्या मामला है पूरा, ये क्यों बवाल हो रहा है? मामला ये है सर कि हमारे यहाँ माइग्रेशन पॉलिसी है नवोदय विद्यालय समिति में, जिसमें हिंदी बेल्ट से नॉन हिंदी बेल्ट और नॉन हिंदी बेल्ट से हिंदी बेल्ट में बच्चे आते हैं। तो हमारे यहाँ के 20 बच्चे राजौरी जम्मू एंड कश्मीर गए हुए हैं और 18 बच्चे वहाँ से आए हुए हैं। तो वहाँ पर जो हमारे बच्चे गए हुए हैं उनको 11th के बच्चों ने मारा, ऐसी सूचना हमारे बच्चों को यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इनको भी आक्रोश आया और इन्होंने भी हमारे जो वहाँ से बच्चे आए हुए हैं उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन हमारे टीचर्स ने उसको बचा लिया। ठीक है। और बचा करके स्टाफ रूम ले गए और वहाँ पर उनको रखा, वहाँ पर उनको खाना भी दिया गया और वहाँ पर रखा गया उनको सुरक्षित पूरी तरह से। लेकिन चूंकि हमारे बच्चों में आक्रोश है कि हमारे जो बच्चे जम्मू गए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उनको मार दिए वो लोग, इसलिए ये लोग बहुत गुस्से में हैं कि हम यहाँ से इन बच्चों को जाने नहीं देंगे और मारेंगे। ये इनका आक्रोश है। हम लोगों ने दिन भर इनको समझाने की कोशिश किया बेटा कि वहाँ से हम बच्चों को बुला रहे हैं। लगभग कितने बच्चे घायल हुए हैं इसमें? वहाँ पर जो हमारे बच्चे नहीं, इधर बरुआ सागर में घायल जैसी कोई बात नहीं है, मामूली चोटे एक दो बच्चों को है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से ये कानून अपने हाथ में ले, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ से जो बच्चे आए हैं वो सुरक्षित वापस जाए। फिलहाल झांसी से बड़ी खबर है, और भी अधिक खबरों के लिए और पूरे बुंदेलखंड की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीके के साथ। देखते रहिए न्यूज़ पीके। नमस्कार।